सत श्री अकाल, जेके न्यूज़ पॉइंट फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरह हमारी लगातार जेके न्यूज़ पॉइंट जो है अमरनाथ यात्रा की अपडेट्स आपको दे रहा है, तो इस वक्त फिर से मैं एक बार हूँ भगवती नगर के यात्री निवास से और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद हैं और स्पेशली आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि राजस्थानी अटायर में यहाँ पर लेडीज मेरे साथ मौजूद हैं जो स्पेशली राजस्थान से आई, और आप उनका पहनावा भी देख सकती हैं कि देखते ही दिल खुश हो जाता है इंसान का जब अपने एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो आपका नाम जानना चाहूंगी, नाम क्या आपका? मेरा नाम भौती है। राजस्थान से? राजस्थान। तो कैसा लग रहा है इधर आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लोगों से बातचीत की यहाँ पर? बातचीत की। पहले भी आए हुए हैं जम्मू या पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आए। पहली बार आ रहे हैं। तो आप अपने साथ जिस अटायर में आपका वहाँ पे भेस होता है आप उसी में आए हैं? उसी में आया, वहाँ फेरता है उसी में आया। अच्छा ही फेरता है। आपका नाम? मेरा नाम कौशल यादव। क्या कहना चाहेंगे, अच्छा लगा इधर आकर? खूब बड़ी अच्छी लगी। भोले बाबा ने हमारी डोरी खींची जब हम आके फौजे ने जम्बू हम कहा जाने भाई, बेटा तो रहे फौज में ही है। फौज में है बेटा? हाँ हाँ। यहाँ जम्मू में है? कहाँ पे? अब बदली हुई ना जम्मू। अच्छा। में ही जब ही तो कह रही है फौजी बोले को बेचारा हमारे माई का तो है। अपने राजस्थानी लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है बहन जी, बहुत अच्छी लगी मुझे बात करवा रही जान मेरी बेटी है। आपका नाम? बत्तन। क्या कहेंगी? अच्छा लग गया है, मीठा लग गया है, अच्छा लगा अपना देश। हाँ अच्छा लग गया अपना देश। पहली बार आए जम्मू में? पहली बार आए देखे हैं? हाँ पहली बार आए। भोलेनाथ बाबा ने डोर खींची। तो कितना मन में उत्साह है कल जाने के लिए? बहुत जोर की। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। मन रहे कौन दिया हमको न्या तू रह लगा तो हम तो नहीं रह लेंगे। अच्छा तो लग रहा है हमको, तो हमको अच्छा लग गया। अपन कोई रहने तो दे नहीं ना, अच्छा लग गया। अब कहा करे वो तो वहाँ ही जानो है हमको, तो बहुत अच्छा लग गया हमको भोलेनाथ का दर्शन करने। और सबको भला करो और थम बेटा खुशी रहो। आंटी आपका नाम क्या है? नथी। नथी। तो आप देख सकते हैं ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं राजस्थानी पूरे अटायर में अगर बात की जाए। तो यहाँ पे कुछ और भी श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए? हम लोग रांची से आए हुए हैं, रांची झारखंड। क्या कहना? टाइम मगर यही बोलना चाहेंगे कि मतलब इस बार अच्छा ही लग रहा है और इससे ज़्यादा आगे भी अच्छा ही लगेगा, और दिनों दिन मतलब डेवलप हो रहा है और हमारे धर्म स्थल का नाम और ही भी ऊँचा जा रहा है बस। और कोई मैसेज रहेगा अपने लोगों? और इसी को नहीं। सर आपका नाम? राजू गुप्ता। कहाँ से आप? यूपी गोरखपुर से। क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो बहुत ही मन से आए थे कि यहाँ छठवां साल है हमारा ये यात्रा करते, मतलब हर साल देखते हैं यहाँ का मतलब प्रशासन बहुत ही अच्छा व्यवस्था करता है और हर साल की तरह मतलब इस साल भी बहुत ही बढ़ चढ़ के व्यवस्था किया गया है हर चीज़ में। तो अब कल की जो न्यूज़ सुने वो तो थोड़ा दुख हुआ है, अब दो दिन हो या तीन दिन हो मतलब वेट तो करेंगे मगर दर्शन हम करके ही जाएंगे, क्योंकि सफ़र में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती रहती है पर इतना तो हम सह लेंगे क्योंकि दिल से आए हैं ना कि बाबा के दरबार में हमें जाना है। जरूरी नहीं है कि हम 100 किलोमीटर रास्ता सफर करने के लिए आए, ऐसा नहीं है। हमें मौसम अगर साथ ना भी दे, दो दिन ठहरना भी पड़े पर दर्शन करके ही दर्शन करके ही जाएंगे। दो दिन हो चाहे चार दिन हो हम आए हैं दिल से दर्शन करने के लिए बाबा का, हम दर्शन करके ही जाएंगे। हर हर महादेव। हीरा लाल। क्या कहना चाहे? कहाँ से आए? रतनगढ़ से। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे? कोई मैसेज लोगों के लिए कुछ? सब मैसेज बढ़िया है, सबको आए, सिक्योरिटी बढ़िया है, मैसेज सबको आए, पूरा मैंने बीएसएफ सीआरपी की तरफ से हम लोग सुरक्षा बढ़िया है, कोई डर भय नहीं है, दिल खोल के आए, बाबा बर्फानी की जाए, बजाए बोले। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सब लोग कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ यूपी से हैं जी, बहुत अच्छे से यहाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सीआरपीएफ वालों ने अच्छा कार्यक्रम दिखाया, इसके लिए हम बहुत उनको उनके आभारी हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हमारी तरफ से सबकी सबको शुभकामनाएं। सर आपका नाम? मैं सर गोपाल जाट, मैं एमपी से आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ सर। तो कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को तो, यहाँ पर
भोलेनाथ साक्षात्कार यही जम्मू में अवतरित हो गया है ऐसा मेरे को यहाँ का माहौल दिखा आज। अब कल हम जाएंगे आगे भोलेनाथ की मर्जी कि वो दर्शन देते हैं कि नहीं देते हैं, कि लेकिन हम तो दिल से आए हैं दर्शन के लिए, दर्शन करके ही जाएंगे। बिल्कुल सर, जी सर। नमस्कार, मैं धर्मराज धाकड़ सरादपुर जिला कोटा राजस्थान रावण मंडी तहसील से, और यहाँ का माहौल देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ के जो लोग आ रहे हैं बाहर से और गांव के यहाँ के जम्मू कश्मीर में घुमा हूँ, यहाँ के लोगों में जो उत्साह देखा है वो बढ़ चढ़ कर नज़र आ रहा है। और सरकार से निवेदन करूँगा कि यहाँ के लोगों को और सुविधाएँ दें और यात्रियों को और सुविधाएँ दें, ताकि आने वाले यात्रियों को जो पहले खौफ नज़र आता था, जो डर था, वो निकल चुका है, और जो बढ़ चढ़ के यात्री आ रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत संख्या में और अपने मित्रों को साथ लेके आए दूसरी बार। तो दर्शकों, जिस तरह हम बात करें पिछले 4 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है, जिस तरह इस बार अमरनाथ यात्रा की बात करें अब तक जो है 3 लाख का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है, और अभी भी जो है वक्त अभी भी बात करें तो काफी दिन जो है बाकी है, तो लगता है इस बार एक नया ही रिकॉर्ड जो है यहाँ पर सेट होने वाला है। सर, आपका नाम? राजेश गौतम, रामगंज मंडी, कोटा जिला। मैं कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर सरकार ने जो व्यवस्था करी है और उग्रवाद के प्रति जो जनता भयमुक्त हुई है, उसके लिए जनता का मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए केंद्र सरकार भी इसके लिए बहुत बहुत लाभ, केंद्र सरकार का जो सहयोग मिला है जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत सराहनीय है, और यह ऐसा आगे तक होता रहे इसके लिए मैं सरकार के लिए भी मनोकामना करूँगा। जिस हिसाब से यहाँ का सुविधा है, मैं बाकी जगह से भी मैं बहुत कम्फर्टेबल लगा, और आने जाने में भी उतना कोई परेशानी नहीं हुआ। और बाहरी जगह हम जैसे कोई लूटने के लिए रहता है ना, कि कहीं बस में चल गया पता नहीं अनजान है तो इससे इतना ले लो, यहाँ ऐसा मतलब कोई सिस्टम नहीं है ना, मतलब जिससे जिस अनजान भी है उससे भी उतना लेगा, जो जानकार है भी उससे भी उतना लेगा, जैसे किराया वगैरह हो गया, अनजान जगह है आदमी को जहाँ नहीं जानता से लूटा जाता है। हाँ, इसी तरह जैसे जगन्नाथपुरी वगैरह चले जाओ तो जो अनजान रहेगा उसको पूरे एक ही बार में लूट लेगा। अब बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि भी तीर्थ स्थल है, लेकिन जो इंसान लूटा है वो इंसान तो वो चीज़ बोलेगा ही बोलेगा, क्यों सही है गलत है, मतलब उचित दाम उचित लूटपाट का काम अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब कोई भी काम कर रहा हो मतलब सहयोग भावना की तरह से उनको यात्रा उपलब्ध कराई है, और सहयोग भावना से उनसे पैसा लिया गया है। हम भी यही मनोकामना करते हैं, आप इसी तरह हमेशा आते रहें और बाबा बर्फानी के दर्शन इसी तरह करते रहें। जब आप सब लोग दूसरे दूसरे शहरों से आते हैं मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, कैसा लगता है इतने सारे नए दोस्त बनते हैं? बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा परिवार जैसा महसूस होता है, एक परिवार बन जाता है यहाँ आने, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम परिवार में रह रहे हैं यहाँ पे, जब खाना भोजन किया हम लोगों को, हम घूम के आए, मतलब लगा नहीं कि हम बाहर हैं, हम भारत से एकदम जैसे मालूम पड़ता है अपने भाईचारों के, अपने भाई परिवार के बीच में है हम लोग, छोटी छोटी चीज के लिए, बाकी जगह हम छोटी छोटी चीज के लिए दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन ऐसे तीर्थ स्थल में कभी लड़ाई नहीं होता ना, जैसे जो बड़ा से बड़ा भी मतलब कुछ हो जाएगा तो बड़ी कोई लड़ाई नहीं होता ना, ऐसे लगता है हम लोग एक फैमिली है, भाई है, दोस्त है ना, बड़ा भाई छोटा भाई ऑटोमेटिक बन जाते हैं, एक दूसरे से लगाओ। सब लोगों का डर खत्म हो गया यहाँ आने का, जो बहुत लोग डरते थे कि अमरनाथ यात्रा में आतंकवादी हमला होता है, वो सब CRPF के जवानों की वजह से सबको अच्छे से रहने को मिलता है, आने जाने को मिलता है, बस यही कामना है सबकी, जवानों के लिए धन्यवाद। तो आपने जिस तरह यहाँ पर सुना कि भारत के अलग अलग अगर राज्यों की बात करें वहाँ से लोग जो यहाँ पर आते हैं, और जिस तरह उनका कहना है कि हम सब जो है मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं और नए नए दोस्त भी बनते हैं, और उत्साह तो देखते ही बनता है, जिस तरह हर इंसान जो है कुछ ना कुछ कहना चाहता है।